हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आईटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करी है। अभी आगे की नेक्स्ट वीडियो है, ये यूनिट 4 में वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। तो जैसे वन वर्ड में आंसर लिखना होता है ना, या खालिस्तान आते हैं, तो उसी में आपकी हेल्प करेगा ये। आपको बताना है द ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP यूज फॉर हेल्पिंग यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन इज। देखो, आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट XP है ना, तो उसके अंदर ना यूजर्स की हेल्प करने के लिए होती है एक चीज़, जो स्पेशली फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं या कोई और जो बड़े बड़े भी हैं, तो इसमें क्या होता है, वो रिपीटेटिव स्ट्रेन उनमें ना आए उसमें हेल्प करता है। वो कौन सी कीज होती हैं? तो वो होती है स्टिकी कीज। ठीक है, ये ना उनकी हेल्प करते हैं, उनको ना पता लग जाता है उसमें, जैसे अपने हाथ उंगलियाँ लगाते हैं ना, तो उनकी हेल्प करता है। और रिपीटेटिव एक चीज़ ना बार बार रिपीट नहीं होती, क्योंकि वो इस प्रकार से उनके लिए डिज़ाइन की जाती है। फिर नेक्स्ट है साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विद डैश इम्पेयरमेंट। आपको बताना है कि जो साउंड का काम करते हैं ना, जिससे उनको काम करने में दिक्कत ना हो कंप्यूटर के अंदर, तो वो किन लोगों की हेल्प के लिए होती है। मतलब इम्पेयरमेंट मतलब होता है असक्षम, मतलब उस काम को करने में असक्षम है, तो जिनको सुनने में दिक्कत उन्हीं के लिए तो होगी। तो कौन सी इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं? ऑडिटरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP इज डिजाइन टू असिस्ट पीपल विद डैश इम्पेयरमेंट। अब आपको बताना है कि जब हाई कंट्रास्ट दिया जाता है, हाई कंट्रास्ट जैसे बड़ा बड़ा चीज दिखाते हैं ना किसी चीज को, तो वो किन इम्पेयरमेंट वाले लोगों के लिए होता है? तो सिंपल सी बात है, इनको देखने में दिक्कत होगी तो विजन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डैश इज डिजाइन टू असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और ए माउस। जिनको ना कीबोर्ड या माउस को यूज करने में दिक्कत होती है ना, तो उनके लिए कौन सी चीज डिजाइन की जाती है? उनके लिए सीरियल कीज बनाई जाती है। एक बार दोबारा सुन लो, जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत होगी ना, ठीक है, साउंड की, उनके लिए ऑडिटरी होती है। ठीक है, और जिन लोगों को जो फिजिकली डिसेबिलिटीज है या वो एक काम बार बार रिपीट ना हो, उनके लिए स्टिकी कीज होती हैं। ठीक है, और जो डिजाइन को, जब हम कॉन्ट्रास्ट को बड़ा करते हैं, वो किन के लिए करते हैं? जो विजन वाले हैं। और जिन लोगों को ना कीबोर्ड या माउस पकड़ने में या उसे यूज करने में दिक्कत होती है, उसके लिए सीरियल कीज होती हैं। और एक्रोनिम का मतलब होता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। जैसे LANF की क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये कह रहा है थ्री टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। यार बताओ, तीन प्रकार की जो वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है? एक होती है डायलअप, दूसरी DSL और तीसरी केबल इंटरनेट। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट है सेवंथ, आपको बताना कि डैश एक फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की, जो इंटरनेट पर यूज की जाती है, जिसमें ये ऑफर करती है कि इंस्टेंटेनियस मतलब तेजी से, जब हम टेक्स्ट को ना सेंडर से रिसीवर के पास भेजते हैं ना तेजी से, तो वो कौन सी होती है? देखो, ये क्वेश्चन में मतलब इसी में आंसर है, ये लिखा इंस्टेंट है ना, तो इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं उसे। अब एट नंबर पर आ जाइए, ये कह रहा है कि डैश आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडियो एंड विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग। तो कौन सी चीज होती है जो ऑडियो एंड विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जरूरी चीज होती है? आप खुद बना के बता सकते हो। जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो हमें कैमरा चाहिए चाहिए, हमें हेडसेट चाहिए, हमें स्पीकर चाहिए, हमें माइक्रोफोन चाहिए। आप कुछ और भी लिख सकते हो, जो अगर आपको लगता है ना, जैसे आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, वो भी लिख सकते हो आप। नाइन्थ पे ये कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम डैश दैट कुड पुट द लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन डेंजर। आपको बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो डैश फेस कर सकता है जो एम्प्लॉयज के लाइफ के लिए खतरा है, तो वो क्या बोलते हैं? हेल्थ हजार्ड, जो उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, तो एम्प्लॉयज के लिए खतरे वाली बात तो है वो। आगे सुनो,
हेजार्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये जो हेजार्ड्स होते हैं ना ये बहुत तरह के हो सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं? इंडस्ट्री पर। ये ना पता क्या, यहाँ पर आप ब्लैंक कर देना, खालिस्तान था, ठीक है, इंडस्ट्री पर और एनवायरनमेंट पर, ठीक है, जिस वर्क में वो काम कर रहे हैं ना, मतलब जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस काइंड का उनका काम है, उन पर डिपेंड करता है हेजार्ड कैसा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाईफाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बच्चों आप जानते हो वाईफाई क्या होता है? वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस पोर्टेबिलिटी। जो वाईफाई है ना, जो वाईफाई है वो क्या होता है? वायरलेस पोर्टेबिलिटी होता है, मतलब बिना तार के होता है। वाईफाई इज पॉपुलर टेक्नोलॉजी, वाईफाई एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर और मोबाइल फोन टू एक्सचेंज डाटा वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क। सबको पता है ना कि बिना किसी तार के ना, सोचो कितनी बड़ी बात है, बिना किसी तार के एक डाटा दूसरे डाटा दूसरे में मोबाइल में या कंप्यूटर में पहुंच जाता है, तो वही क्या है? वाईफाई। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ना वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताओगे? वायरलेस पोर्टेबिलिटी। ठीक है, आगे सुनो, इसका फायदा क्या है? देखो इसमें हमें केबल वायर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और इससे जो है आप लिख सकते हो कि काम बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, जैसे पहले केबल लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है लैन और वैन में कंपेयर कीजिए। तो आप पहले में बता देना कि लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और ये छोटे एरिया को कवर करता है, ये बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है। देखो इट कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, इट स्प्रेड्स अक्रॉस कंट्रीज, ये कंट्रीज के बाहर तक भी जा सकता है, मतलब इतना बड़ा होता है, ठीक है। ये कह रहा एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स, आपको इनकी फुल फॉर्म बतानी है। पहला है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, दूसरा क्या ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, मॉडेम पता क्या होता है? मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर, फुल फॉर्म है ना खाली, ठीक है। और मॉडेम से क्या करते हैं पता है आपको? मॉडेम का यूज जो इंटरनेट को पहुंचाने में हेल्प करता है ना, वो होता है मॉडेम। तो आप यूं बोल सकते हैं टू प्रोवाइड यू विद इंटरनेट एक्सेस, जो इंटरनेट तक आपकी पहुंच करता है ना, वो मॉडेम होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। लैन की क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन की क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। पी टू पी मतलब पीयर टू पीयर, ठीक है। अब ये कह रहा है लिस्ट एनी फाइव एप्लीकेशंस बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, मतलब तुरंत मैसेज पहुंचाने वाले, जैसे आपने यहां टाइप किया वहां लिख गया, तो आप बता सकते हैं कोई पांच एप्स? देखो जो हम एप्स बोलते हैं ना, एप्स उसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन। तो हमें पता है कई बार कुछ चीजें पता होती हैं वो हम शॉर्ट में याद रखते हैं, तो वो होते हैं फुल फॉर्म में लिखे आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बेटा या बेटी। तो पांच एप्लीकेशन आपको बतानी है। तो पहली है गूगल टॉक, जिसमें हम मैसेज लिखते हैं फिर दूसरे के पास चला जाता है। आज के टाइम के भी अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है, और इंस्टाग्राम है ना, गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइपिंग, विंडो लाइव मैसेंजर, रेडी बोलिए, तो बहुत पुराने हो गए बच्चों, है ना। चलो अब व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट मैसेज? अच्छा इंस्टेंट मैसेज का मतलब क्या होता है? कि इधर आपने टाइप किया और आपने जैसे ऑप्शन दबाया सेंड का, और वो वहां पहुंच गया, ठीक है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, जिसमें इंटरनेट के ऊपर जो ऑफर करती है इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जिसमें आप अपनी लैंग्वेज बना के लिख देना कि इसमें सेंडर से रिसीवर को इंस्टेंट इंफॉर्मेशन सेंड हो जाती है, ठीक है। विच सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इंस्टेंटेनियसली, जो इंस्टेंट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। फिर कह रहे गिवन ए थ्री कीज फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग,
जब हम इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं ना, तो इसकी तीन क्या खास बातें होती है। जैसे हम अगर हम इंस्टेंट मैसेज कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि हम एक या एक से ज्यादा पर्सन को भेज सकते हैं। भेज सकते हो आप, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना रखा है तो एक बार लिखना है सबके पास चला जाएगा। ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। अच्छा अब ये बता सकते हो बच्चों, व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग क्या होता है? देखिए आपने गूगल देखा होगा ना, तो गूगल पर पेजेस होते हैं ना, तो वो उन पेजों पर ना हम अपने जैसे कुछ बात या किसी टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो ब्लॉग होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं, या यूँ बोलें कि ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट होती है जो नॉन टेक्निकल या टेक्निकल यूजर्स के द्वारा की जाती है, जिसमें हम फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज, जिसमें हम पर्सनल वेब पेज क्रिएट करते हैं। और आप बोल सकते हो कि ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी, जैसे किसी की ऑनलाइन पर्सनल डायरी है ना, बिल्कुल उसी की तरह होती है एंड सिंपल टू यूज और यूज करने में आती है। वी कैन यूज अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेज। ब्लॉग का प्रयोग हम मैसेज प्रोवाइड करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे किसी इवेंट्स के बारे में, किसी अनाउंसमेंट के बारे में, न्यूज के बारे में, रिव्यूज के बारे में, तो ब्लॉग का इस्तेमाल इस तरीके से भी होता है। ये कह रहा है आपको पांच वेबसाइट बतानी है जो ब्लॉग सर्विस देती है, जिसमें आप ब्लॉग कर सकते हो, मतलब आप मैसेज को कन्वे कर सकते हो। पता है क्या, ब्लॉग में लोग पढ़ते हैं कई चीज़ों के बारे में, जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ में डिटेल निकाल लेते हैं। कई बड़े एक्सपर्ट्स जो लोग होते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उसमें पूरी डिटेल बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, या जैसे किसी डिसीज के बारे में बता रहे हैं हम। जैसे आप अभी आप सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें पता लग जाएंगी। चलो अभी वो टाइम नहीं, सुन लो, पढ़ाई कर लो। तो अगर आपसे पूछे कि पांच वेबसाइट बताओ जो ब्लॉग सर्विस जो प्रोवाइड करती हैं, तो एक है www.wordpress.com, ठीक है, दूसरा www.blogger.com, अभी आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है, ये तो रटनी है ना। नहीं तो अगर एक बात बताओ नहीं आ रही तो अपने हिसाब से कुछ लिख कर कर देना, मतलब छोड़ के मत आना कुछ भी। वैसे याद हो तो अच्छी बात है, ठीक है, टीचर तो देखेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है। अच्छा ये कह रहे कि क्या ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स भी होते हैं? हाँ, तो ये देखो पुराने लिखे हैं, आप नए भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग जेट है, ये मास एडिट है, ब्लॉग डेस्क है, विंडो लाइव राइटर है ये, और ठीक है कुमेना है ये, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 5 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। नंबर्स पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है ना, तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करते हैं तो उसमें खाली नंबर नहीं होने चाहिए, उसमें हमें कैपिटल में कुछ लोअर केस में यूज़ कर लेना चाहिए जो हमें याद भी रहे, ठीक है। और कुछ ऐसे पासवर्ड होने चाहिए जो हर कोई यूज़ कर लेता है, जैसे 1 2 3 4 डाल देता है कोई, ठीक है, 0 0 डाल देता है, तो कुछ पासवर्ड बिल्कुल ऐसे होते जो लोकल होते वैसे यूज़ नहीं करने चाहिए, कुछ लेटर यूज़ कर देना चाहिए उसके अंदर, और उसके अंदर जो जैसे ये साइन होते हैं ना, हैश वगैरह, इस तरीके का अगर हो सके तो वो हमें अप्लाई कर देना चाहिए। ये आप अपना बना बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन एनी 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डाटा। बताओ चार चीज़ें जिससे हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। पहला, अपना ब्राउजर की जो कुकीज है ना वो फ्रिक्वेंटली क्लियर करते रहो, क्योंकि बहुत सारे हमारे मोबाइल में ना ऐप्स होते हैं जो कुकीज से यूज करके हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि हमने उस पर ना यस क्लिक किया होता है। तो कुकीज का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई चीज़ देखी है ना, तो वो उसके अंदर सेव हो जाएगी, फिर वो आगे इन्फॉर्मेशन डाटा किसी और को भेज देते कि ये बच्चा ये चीज़ देखता है या ये बच्चा, तो फिर उसी प्रकार की ऐड आने लग जाती है। कभी आपने सोचा है कि जब आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो ऐड वही वाली आती है जो जिस तरीके की चीज़ें आपने देखी होती हैं, क्योंकि आपको टारगेट बनाया जाता है ना। तो जैसे आप कोई भी अगर YouTube चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं शॉर्ट्स वगैरह, तो ऐसी ऐड आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप जिस चीज़ों को देखते हैं ना, तो वो उनको आगे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि आपका डाटा सिक्योर रहे, या और भी बहुत से कारण कि आप, तो आप क्या क्या करें, तो आप अपने ब्राउजर की जो कुकीज़ हैं उनको बार बार जो क्लियर करते रहें, क्लीनर होता है ना, उसे क्लीन करते रहें, और इंस्टॉल फायर वेल को इसको इंस्टॉल करके रखें, जो बार बार आपका सेफ्टी चेक करता रहता है, आप उसे करते रहते हो चेक, उससे
और डू नॉट क्लिक ऑन लिंक शेयर्ड बाय अननोन। अगर कोई ऐसे यूजर ने आपको भेजा है कि इनाम मिल गया, इसे जीतोगे तो लैपटॉप मिल जाएगा, तो ऐसे चीज़ों पर कभी क्लिक मत करो, क्योंकि वो होते ही इसलिए आपको इससे बेनिफिट क्या मिलता है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो वो कुकीज़ वगैरह का इस्तेमाल अपने उसमें कर देते हैं, फिर आगे वो भेज देते हैं, ऐसा कुछ होता होगा। तो ये यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस या एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर डाल के रखें, जो आपको बताते रहे कि भाई हमारे इसमें इन्फॉर्मेशन कोई देख रहा है या कोई यूज़ कर रहा है। तो अब आपको पता है एंटीवायरस या एंटी स्पाइवेयर क्या कहते हैं? स्पाई तो पता होगा ना, जासूस। तो ये आपके लिए काम करता है, आपके लिए जासूसी करता है कि देखो कोई हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर पे कोई गलत मालवेयर तो नहीं कर रहा। मालवेयर पता किसे कहते हैं? जो हमारे कंप्यूटर में आते हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन लेकर और दूसरों को दे देते हैं और हमारे को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। वायरस एक तरह से एंटीवायरस एंटी स्पाइवेयर प्रोग्राम ऑफर करते हैं, रियल टाइम प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कंप्यूटर को और रनिंग चेंजेस। अगर कोई मालवेयर सॉफ्टवेयर अगर कोई चेंज होता है तो हमें बता देते हैं। तो एक बात आपको कह रहे हैं कि एंटीवायरस या एंटी स्पाइवेयर जो है ना, वो हमेशा आपको अपडेट करने पड़ेंगे, पुराने नहीं हो जाने चाहिए, ठीक है। और इससे आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा, ठीक है डियर। ये कह रहे हैं आप एनालिस करो यानी थ्री बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस। जब हम वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर भी, तो हमें तीन जो है कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को अपनाना चाहिए। तो आपको एक तो फायर सेफ्टी, वहाँ पे आग वगैरह का कोई सिस्टम ना हो। जैसे मैं किसी जगह पर काम कर रहा हूँ ना, वर्क प्लेस ऐसी जगह पर, तो वहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि वहाँ फायर सेफ्टी की चीज़ है या नहीं है। दूसरा फोर्स एंड स्लिप्स तो नहीं है। तीसरा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है या नहीं है, मतलब बिजली वहाँ पे पूरी सुरक्षित, तारे जो हैं इस प्रकार से ओपन तो नहीं जो लाइफ को डेंजर में डाल सकती हैं। ये कह रहा है गिव एनी टू बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉर एंश्योरिंग फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी। बताओ फॉल्स या स्लिप ना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो आप अगर चाहते हैं कि टू बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉर एंश्योरिंग फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी के लिए, तो आपको कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री। आपको जहां पर आप काम कर रहे हो वहां का एरिया साफ सुथरा रखो, और वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, वहां पे हवादार होना चाहिए, ठीक है। और लाइट पूरी आनी चाहिए और नॉन स्लिपरी। और आपको ना ऐसी चीज पहननी जो स्लिपरी फुटवियर नहीं है वो, और फ्लोर मस्ट बी क्लीन। फ्लोर जो है साफ सुथरा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, फॉल्स एंड स्लिप्स में ये है कि जैसे अगर आपने कंप्यूटर के आसपास कुछ सामान रखा है, ठीक है, अगर वो उस पर जैसे पानी का पीने का कुछ भी, तो अगर वो उस पर गिर जाएगा तो इससे क्या हो सकता है, वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि आप अपने रूम को साफ सुथरा रखो, हवादार रखो, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इवैक्यूएशन पॉलिसी क्या होती है। देखो इवैक्यूएशन पॉलिसी का मतलब होता है ऐसा प्लान जिसे हमें इवैक्यूएट करना है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ एनी इमरजेंसी और डिजास्टर। जैसे अगर मान लो कभी इमरजेंसी आ गई, कोई डिजास्टर आ गई, तो अगर हमारे पास पहले से में पता होगा कि बच्चों को या किसी को पता होगा कि हमें उस समय क्या करना चाहिए, तो उसे बोला जाता है इवैक्यूएशन पॉलिसी। समझ आ गया? इवैक्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, कि हम उस जगह को कैसे खाली करें, कब खाली करें, जैसे कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाए, ठीक है। और एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एनी इवैक्यूएशन पॉलिसी, और उसकी इवैक्यूएशन मतलब उससे बाहर निकलने के लिए, उस जगह से बाहर कैसे निकले, सेफ कैसे रहें, अपने आप को सेफ कैसे रखें, उसको हर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। ये कह रहा है एक्सप्लेन बॉडी सिस्टम टू इम्प्लीमेंट इवैक्यूएशन एफिशिएंटली इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये कह रहा है बॉडी सिस्टम को आप एक्सप्लेन करो जब हमें इवैक्यूएशन अच्छे से करना। इवैक्यूएशन समझ में आ गया कि जैसे अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस जगह को हम कैसे खाली छोड़कर बाहर जाएं। तो ये कह रहा है कि इस सिस्टम को बताओ, बॉडी सिस्टम पता क्या होता है, जैसे आपके साथ के जो जने हैं ना, अगर वो आपका साथ नहीं देंगे और हड़बड़ हड़बड़ी में और आपको नुकसान पहुंचा दिया, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो गलत होगा ना। तो जितने भी प्लेस होते हैं ना, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, वहां पर ही सिस्टम होना चाहिए कि अगर कुछ इमरजेंसी आ रही है तो सब एक दूसरे से साथ दें और सबकी जान बच जाए। भाई हम तो ये चाहेंगे ना सबकी जान बचे, कोई भी क्यों फंसे। तो आप ये बोल दोगे कि ये सिस्टम एंश्योर करता है जो डिफरेंटली एबल्ड है ना, और ये बड़ी सिस्टम उनके लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब जो अक्षम है, जैसे किसी के पैर नहीं है,
या किसी की आंखें नहीं, या मान लो इमरजेंसी आ गई, वो कैसे उठेगा अपनी जगह से? हाँ या ना? तो अब आपको उनको गाइड करना भी है और उनको भी सेफ जगह पर पहुंचाना है। तो यहाँ पर बड़ी सिस्टम उसके अकॉर्डिंग बता देना कि बड़ी सिस्टम में ये है कि अगर कोई डिफिकल्टीज आ जाती है। 15 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बड़ी सिस्टम टू इम्प्लीमेंट इवैक्यूएशन एफिशिएंटली इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखो, इवैक्यूएशन का मतलब तो पता है ना आपको कि जैसे कोई इमरजेंसी आए तो उस जगह को खाली छोड़कर मैं कहीं और जाना है। यहाँ पर जो हम बड़े सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये हमें उन लोगों के लिए करना होता है जो हमारे फार्म में या जहाँ पे हमारा वर्क प्लेस है ना, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी इम्पेयरमेंट को फेस कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना कौन कौन सी इम्पेयरमेंट होती है, जैसे विजन की इम्पेयरमेंट हो गई, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट हो गई, है ना, या फिजिकली अगर किसी प्रकार की कोई इम्पेयरमेंट है उसको फेस कर रहे होते हैं तो उनके लिए होती है। तो अगर आपसे बोलेगा बड़े सिस्टम को एक्सप्लेन करो तो बता दोगे ना कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंश्योर करता है कि जो बच्चे या कोई बड़ा डिफरेंटली एबल्ड है ना, और तो उसकी हेल्प कैसे की जाए, उसको गाइड कैसे किया जाए ताकि उसकी भी लाइफ सेफ हो सके। ठीक है, या आप अपने बना के बोल देना। ये कह रहा है हेल्थी लाइफस्टाइल के 4 पॉइंट बताओ। अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको अपना हेल्थी माइंड रखना चाहिए। दूसरा, साउंड स्लीप जितना जरूरी हो उतना जरूर सो। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज करो। ठीक है, ये ना अगर साउंड स्लीप है ना, ये मतलब नहीं कि अब आपका पेपर है तो आप थोड़ा जल्दी सो जाओगे, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये तब की बात हो रही है जैसे आप रोज ही कम सो रहे हो। ठीक है, उस सेंस में बोल रहा है। पेपर के लिए तो अभी थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करोगे ही। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स और अच्छा खाना खाना है। चलो, ये तो आप बना लोगे। और अपने ना गोल को सेट करते रहो, कितने परसेंट लानी है, क्या करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। पुरानी वीडियोस देख लेना जो आईटी से रिलेटेड बना रखी हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।